गुड मॉर्निंग। विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछले कई दिनों से आपकी ऑनलाइन क्लासें निर्बाध रूप से जारी हैं। जो टॉपिक आपको बताए गए, उम्मीद है आपको ठीक प्रकार से समझ में भी आ रहे होंगे। पिछले दो चार दिन पहले बोर्ड ने कोरोना काल के कारण से या कोविड-19 के कारण से जो विद्यालयों की जो छुट्टियां हुई हैं, उस संदर्भ में अपना सिलेबस जारी किया था। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बोर्ड के निर्देशानुसार 40% सिलेबस आपका कम हुआ है, यानी कुल टॉपिक्स जो आपके हैं उनमें 40% कम करके केवल 60% सिलेबस ही आपके सिलेबस के अंतर्गत बोर्ड ने स्टार्ट किया है। पिछले दिनों से जानकारी के अभाव में या बोर्ड के निर्देश के अभाव में हमने संपूर्ण लेसन्स का अध्ययन किया, जो कि निर्देश पूरा आवश्यक भी था। अब बोर्ड ने जो सिलेबस के टॉपिक आपके हटाए हैं, जिन टॉपिक्स में से आपके बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएंगे या जो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं, उनके विषय में अपन चर्चा कर रहे हैं। ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, उनके बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो इनको टॉपिक्स के जो नोट्स आपके पास है वहां पर आप टिक कर लें कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बुक में है, बुक में आप टिक कर लें। ये जो टॉपिक जो मैं बता रहा हूं वो आपके सिलेबस में नहीं है या बोर्ड के द्वारा ये टॉपिक हटा दिए गए। देखो कौन कौन से, पहले मानव भूगोल के बारे में देखते हैं। मानव भूगोल की इकाई नंबर 2 में उप इकाई है 4, जिसका नाम है प्रवास। ये प्रवास का जो संपूर्ण टॉपिक आपके है वो हटा दिया गया है, कोई दिक्कत। इसी दूसरी इकाई का 5वां टॉपिक है मानव विकास। आपको जानना होगा शायद तीसरा या चौथा लेसन मानव भूगोल में प्रवास में मानव विकास, तो वो लेसन आपका पूरी तरह से हटा दिया गया है, वो लेसन आपको तैयार नहीं करना है। तो प्रवास और मानव विकास दूसरी इकाई में उप इकाई नंबर 4 और 5, टॉपिक का नाम है प्रवास और मानव विकास, ये दोनों टॉपिक आपके हटा दिए गए। दूसरा तीसरी इकाई का नंबर 3 उप इकाई है धारावी बस्ती। पता है आपको, क्योंकि ये सारे टॉपिक आगे पड़े हुए हैं। धारावी बस्ती एशिया महाद्वीप की सबसे विशालतम स्लम बस्ती मुंबई में है, जो बताया था मैंने, वो धारावी बस्ती का संपूर्ण टॉपिक आपके हटा दे। पूरा लेसन नहीं, केवल धारावी बस्ती का जो टॉपिक आपके दे रखा है वो धारावी बस्ती का टॉपिक हटा दिया गया है। लेसन के लास्ट में धारावी बस्ती के बारे में बताया गया आपको, तो वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। फिर वही मानव भूगोल चल रहा है। मानव भूगोल में 5वीं इकाई पूरी हटा दी गई है। 5वीं इकाई मानव भूगोल में जो 5वीं इकाई है, ये 5वीं इकाई पूरी हटा दी गई है, जिसमें आपको जानना होगा परिवहन संचार 10वां लेसन, 11वां लेसन है ना, ये लेसन है जिसमें, तो ये पूरी तरह से हटा दी गई 5वीं इकाई मानव भूगोल की, जिसमें एक लेसन है, 2 लेसन है, जो भी है वो 5वीं इकाई पूरी हटा दी गई है, वो भी नहीं पढ़नी। 6वीं इकाई में दूसरी उप इकाई है वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन, इसका आंशिक भाग हटा दिया गया है। यानी जो आपके 12वां लेसन है मानव भूगोल का, उस 12वें लेसन में लास्ट में सम्मेलन दे रखे हैं, जिनेवा सम्मेलन के बारे में और भी अनेक सम्मेलन है पर्यावरणीय है, उन सम्मेलन का आंशिक भाग हटा दिया गया। वो कौन कौन सा है वो आपको मैं क्लास में बता दूंगा। तो मानव भूगोल में तो ये आप विशेष ध्यान रखें, ये टॉपिक आपके हटाए गए हैं। कौन कौन से, प्रवास नहीं पढ़ना है, मानव विकास नहीं पढ़ना है हटा दिया गया है, धारावी बस्ती हटा दी गई है, 5वीं इकाई पूरी हटा दी गई,
पांचवी इकाई में शायद दो लेसन है, तो ये दोनों लेसन परिवहन संचार अंतरराष्ट्रीय व्यापार वगैरह जो भी है वो सब कुछ हटा दिया गया, तो पूरी पांचवी इकाई हटा दी गई है। और छठवी इकाई का दूसरी उप इकाई है जो वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन, इस वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन के भी आंशिक जो भाग है वो आंशिक भाग आपके सिलेबस से पूरी तरह से क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। ये तो हो गई किसकी चर्चा, मानव भूगोल की चर्चा। दूसरी बुक आती है आपकी कौन सी, दूसरी बुक आती है आपके भारत के भूगोल के विषय में। भारत भूगोल के विषय में मुख्य रूप से जो टॉपिक के, क्योंकि अभी तक भारत का भूगोल आपका चल ही रहा है जहां तक मुझे ध्यान में है, जिसमें आपको मैंने शायद ये जो 15वां या 16वां लेसन जो था आपका, वो 15वां या 16वां लेसन ही आपका कंप्लीट हुआ है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो मुख्यतः इसके बारे में अपन चर्चा करने, तो भारतीय भूगोल में जो आठवीं इकाई है उस आठ की उपाई, आठवीं इकाई में जो तीसरी उप इकाई है प्रजातीय समूह है, ये प्रजातीय समूह संबंधित टॉपिक आपके हटा दिया गया है। नवीं जो इकाई वो पूरी हटा दी गई आपके, नवीं इकाई में जो ये ऊर्जा संसाधन वगैरह ये जो दे रखा था वो सारा पेट्रोलियम कोयला इन सब के बारे में जो भी दे रखा था वो संपूर्ण टॉपिक आपके हटा दिया गया। फिर दसवीं इकाई में तीसरा टॉपिक है कृषि व रासायनिक कृषि, पूरी कृषि नहीं, कृषि व रासायनिक जो कृषि है, ठीक है, इसे कृषि व रासायनिक कृषि के अंतर्गत हटा दिया गया है। और बारहवीं जो इकाई है वो बारहवीं इकाई विकास व नियोजन, यानी लगभग 21-22 वाले संसाय दिए, तो ये भी हटा दिया गया, ध्यान में रहेगा। तो आपके सिलेबस में ये बिंदु हटा दिए गए, मानव भूगोल में ये बिंदु, प्रवास, मानव विकास, धारावी बस्ती, पांचवी इकाई पूरी जिसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिवहन संचार वगैरह और वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन का आंशिक भाग, ठीक है। भारत का जो भूगोल है, भारत के भूगोल में आठवीं इकाई मैंने आपको बताई, आठवीं इकाई में जो प्रजाति समूह है इस प्रजाति समूह को पूरी तरह से हटा दिया गया है, ठीक है। प्रजाति समूह के बाद में नवीं जो इकाई है, नवीं इकाई के अंतर्गत मूलतः जो भी ये संपूर्ण संसाधन दे रखा है ये संपूर्ण संसाधन हटा दिया गया है। दसवीं इकाई में तीसरी उप इकाई है कृषि व रासायनिक कृषि, ये पूरी तरह से हटा दी गई है। और बारहवीं इकाई संपूर्ण विकास व नियोजन, ये भी कंप्लीट हटा दिया गया है। तो ये तो हो गए आपके बुक में से हटाए गए पार्ट, तो आप ये टिक कर लेना, प्रवास नहीं पढ़ना, मानव विकास हटा दिया, धारावी बस्ती, परिवहन जो साधन है वो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार वगैरह वो पूरा हटा दिया, वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन हटा दिया, प्रजाति समूह हटा दिया, संसाधन हटा दिया, कृषि व रासायनिक कृषि हटा दी, विकास व नियोजन। ये तो हो गया अपना थ्योरी का। प्रायोगिक जो कार्य है उसमें तीसरी और छठवीं जो इकाई है, प्रैक्टिकल में तीसरी और जो छठवीं इकाई है, ये तीसरी और छठवीं इकाई आपके पूरी तरह से हटा दी गई है, यानी ये टॉपिक आपको तैयार नहीं करने हैं। ये 40% सिलेबस है जो बोर्ड के द्वारा हटाया गया है, अब इनके अलावा जो टॉपिक है केवल वो ही आपको तैयार करने हैं, कोई दिक्कत आगे डाल दीजिएगा। ये तो गई, ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा आप ठीक प्रकार से, जो टॉपिक आपके हटाए गए आगे डाल दीजिएगा। पिछले वीडियो में 16वां लेसन जो था अपना, 16वां लेसन कंप्लीट हो गया था शायद, जहां तक मुझे ध्यान में है। और 16वें लेसन के बाद में 17वें लेसन की जो बात आती है वो 17वां लेसन आपके ऊर्जा संसाधन का है, तो मैंने बताया ऊर्जा संसाधन आपके कंप्लीट हटा दिया गया, तो वो नहीं पढ़ना। 18वां लेसन कृषि का है जिसमें कृषि व रासायनिक कृषि इनको उठाया गया है, तो कृषि का जो भी टॉपिक जो आपके चलता है वो 18वें लेसन में थोड़ा बहुत बचा है, वो अपन देखेंगे आगे, क्योंकि उसमें थोड़ा पार्ट हटा दिया गया। आज अपने स्टार्ट करते हैं आपका 19वां लेसन,
उद्योग के बारे में। देखिए उद्योग के बारे में ध्यान दीजिएगा। देखिए सामान्य परिचय देखते हैं, सबसे पहले सामान्य परिचय। देखिए अपने भारत में उद्योगों की बात करें तो सबसे प्रारंभ में अपने भारत में कुटीर उद्योग का विकास हो गया था। देखिए भारत प्रारंभ से ही संपूर्ण विश्व के अंतर्गत औद्योगिक दृष्टि से, औद्योगिक विकास की दृष्टि से एक अग्रणी देश रहा है। प्रारंभ में ही लगभग 1779 के आसपास अपने भारत के तमिलनाडु जो राज्य है, इस तमिल के अरकाट एक जिला है, इस अरकाट जिले में अपने यहां लौह इस्पात उद्योग था, उसका असफल प्रयास किया गया। और उसके बाद सन 1872 में कुल्टे हीरापुर इस क्षेत्र के अंतर्गत लौह इस्पात उद्योग का विकास किया गया, जो आज भी वर्तमान में भी कार्यरत है। भारत में सबसे पहले एल्यूमिनियम उद्योग पश्चिम बंगाल का जो जेके नगर है, उस जेके नगर में 1837 में, सीमेंट उद्योग वर्ष 1904 में चेन्नई में, रासायनिक उद्योग 1906 में तमिल में, 1854 के अंतर्गत सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कावस डाबर द्वारा। तो कहने का अभिप्राय मेरा यहां पर यह है कि अपने भारत के अंतर्गत प्रारंभ से ही उद्योग धंधे या औद्योगिक विकास के लिए अनेक सफलतम असफलतम प्रयास किए गए, जिसके कारण आज अपना भारत औद्योगिक रूप से एक महत्वपूर्ण देश है। अपने भारत के अंतर्गत सर्वप्रमुख उद्योग के ऊपर बात करें तो वो सर्वप्रमुख उद्योग कौन सा है, वो है लौह इस्पात उद्योग। देखिए लौह इस्पात उद्योग के बारे में जानते हैं, महत्वपूर्ण भी है। लौह इस्पात उद्योग को अपने भारत में क्या कहा जाता है, आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अपने भारत का आधारभूत उद्योग है लौह इस्पात उद्योग, क्योंकि आज प्रत्येक उद्योग मशीनी तंत्र से चलता है। मशीन के अभाव में किसी भी उद्योग का संचालन नहीं होता। तो मूलतः अपन ये कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास की शुरुआत यदि होती है तो वह शुरुआत लौह इस्पात उद्योग से होती है। देखिए मुख्यतः अपने भारत में लौह इस्पात उद्योग का सर्वप्रथम प्रारंभीकरण हुआ 1872 में। मुख्यतः बंगाल बंगाल आयरन वर्क्स जो कंपनी थी, इसकी स्थापना कुल्टी जो कि कहां पर है, पश्चिम बंगाल, यहां पर की गई। भारत में लौह इस्पात उद्योग का जो विकास था वो वर्ष 1872 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी क्षेत्र में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी के नाम से एक लौह इस्पात की कंपनी प्रारंभ की गई। लेकिन वह एक प्राचीन कालीन या प्राचीनतम कारखाना था। मुख्यतः अपने भारत में लौह इस्पात उद्योग का आधुनिक जो कारखाना था, उस आधुनिक कारखाने की स्थापना हुई 1907 में। कहां पर हुई, साकची में, जो कि कहां पर है, जमशेदपुर में।
मुख्यतः यहां पर वर्ष 1907 में साक्षी जमशेदपुर में एक उद्योगपति थे जिनका नाम था जमशेद जी टाटा। इन्होंने एक कंपनी स्थापित की, कौन सी? टिस्को, TISCO। टिस्को पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कौन सी कंपनी? टिस्को एक कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इस कंपनी की शुरुआत जमशेद जी टाटा ने वर्ष 1907 में साक्षी जमशेदपुर में की। इसके बाद वर्ष 1919 में वर्णपुर में एक कंपनी की स्थापना हुई, इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। यहां से अपने भारत में लौह इस्पात जो उद्योग था, यह लौह इस्पात उद्योग एक विकसित स्वरूप में आया और इसके बाद धीरे धीरे अनेक कंपनियां, विश्वेश्वरिया आयरन एंड स्टील कंपनी, भद्रावती आयरन एंड स्टील कंपनी, भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी, अनेक प्रकार की ऐसी कंपनी आई जिनके माध्यम से भारत में लौह इस्पात जो उद्योग है, यह लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ। और इस प्रकार आज वर्ष 2014 के आंकड़े पर देखें तो उसके अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। भाई इतना विकास भारत ने कर लिया कि आज भारत का कच्चे इस्पात उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। मुख्यतः कोई भी उद्योग हो, प्रत्येक उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आती है उसके स्थानीयकरण की। स्थानीयकरण का मतलब होता है उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक कारक। ऐसे कौन से कारक हैं जिनसे उस उद्योग की स्थापना वहां की जाए? लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के कारकों की अपन बात करें तो मुख्यतः लौह इस्पात उद्योग में आवश्यक कच्चा माल, जिसमें कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, मैग्नीज, ये सभी भारी व कम मूल्य के होते हैं। अतः इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना और ले जाना यह महंगा होता है। अतः लौह इस्पात उद्योग की स्थापना वहीं पर की जाती है जहां पर कच्चा माल उपलब्ध हो। जिससे क्या होता है भाई, कच्चा माल हमारे को स्थानीय रूप से उपलब्ध हो गया तो दूसरे स्थान से कच्चा माल मंगवाने की हमें आवश्यकता नहीं होगी, और कच्चा माल मंगवाने की आवश्यकता नहीं होगी इसका मतलब यह हुआ कि कच्चा माल लाने और ले जाने के लिए जो परिवहन खर्च होगा, परिवहन पर जो व्यय होगा वो कम होगा। परिवहन का व्यय यदि कम होगा तो निर्मित जो इस्पात बनेगा या जो वस्तु बनेगी उस वस्तु का जो मूल्य है, वह वस्तु का मूल्य क्या होगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम। तो लौह इस्पात उद्योग के लिए सबसे आवश्यक स्थानीयकरण का कारण है कच्चे माल की उपलब्धता। इसके अतिरिक्त जलापूर्ति, जो प्रत्येक उद्योग के लिए आवश्यक है, जलापूर्ति, पूंजी की उपलब्धता, कुशल श्रमिक, बाजार की समीपता, परिवहन सुलभता, ये सारे कारक आवश्यक है। देखिए आज मुख्यतः अपने भारत के अधिकांश लौह इस्पात उद्योगों की बात करें तो अधिकांश लौह इस्पात उद्योग कोयला क्षेत्रों के समीप ही स्थित हैं। भाई जैसे मैंने नाम बताया, बर्णपुर, हीरापुर, कुलटी, बोकारो, दुर्गापुर, इन सब जगह लौह इस्पात की कंपनियां हैं। इसका प्रधान कारण क्या है पता है? इसका प्रधान कारण है कि वहां पर कोयला उपलब्ध है, शक्ति संसाधन के रूप में वहां पर कोयले की विद्यमानता है। इसलिए मुख्य रूप से अपन ये कह सकते हैं कि वहां पर लौह इस्पात उद्योग का विकास संभव है। दूसरा, लौह अयस्क भी होना चाहिए।
भाई लो इस्पात बनाते हैं, तो लो इस्पात के लिए कच्चे माल में लो एस आता है। अभी हमने देखा बिलाई, राउरकेला, ये जो सारे हैं यहां पर लो एस की उपलब्धता पाई जाती है। लो एस की उपलब्धता के कारण से इन क्षेत्रों के अंतर्गत ये विद्यमान है। तो कुल मिलाकर लो इस्पात जो उद्योग है, इस लो इस्पात उद्योग के लिए जो भी आवश्यक स्थानीयकरण के कारक है वो है कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार क्षेत्रों की समीपता, कुशल श्रमिक, परिवहन सुलभता, जलापूर्ति, पूंजी की प्रधानता, ये सारे इसके स्थानीयकरण के कारक हैं। देखिए मुख्यतः अपने भारत के अंतर्गत महत्वपूर्ण कंपनियां, आपके बुक में एक इंडेक्स भी दे रखी है। देखो टिस्को सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है, पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कहां पर है सांकची में, सांकची कहां है झारखंड में। पहली कंपनी भारत की सबसे अच्छी कंपनी, या क्रमवाइज अपन देखें तो महत्वपूर्ण कंपनी है टिस्को, पूरा नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, कहां पर है सांकची में, सांकची कहां है झारखंड में। दूसरी कंपनी है इसको, पूरा नाम इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, कहां पर है कुल्टी हीरापुर में, जो कहां है पश्चिम बंगाल में। इसको का पूरा नाम इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, कहां है कुल्टी हीरापुर में, जो कहां है पश्चिम बंगाल में। तीसरा विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जो भद्रावती कर्नाटक में है। तीसरी कंपनी कौन सी है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कहां पर है कर्नाटक में भद्रावती में। चौथा है बिलाई इस्पात संयंत्र, जो बिलाई छत्तीसगढ़ में है। चौथी कंपनी कौन सी है, बिलाई इस्पात संयंत्र, जो कहां पर है छत्तीसगढ़ में। एक है राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो कहां पर है राउरकेला यानी उड़ीसा में। एक है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जो दुर्गापुर कहां पर है पश्चिम बंगाल में। एक है बोकारो इस्पात संयंत्र, जो कहां पर है बोकारो झारखंड में। एक बिजाग इस्पात संयंत्र, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। विजयनगर इस्पात संयंत्र, जो कर्नाटक में है। सेलम इस्पात संयंत्र तमिल में। ये 10 कंपनियां ऐसी अपने भारत के अंतर्गत जो लो इस्पात उद्योग के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, या जिनका लो इस्पात उद्योग के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान है। कोई दिक्कत, तो ये हो गया अपना भारत का लो इस्पात उद्योग के बारे में। जहां तक किसी कोई समस्या हो तो बताओ, आ रहे समझ में। ये तो हो गई आप आज के अपने टॉपिक की बात। दूसरा, अभी अक्टूबर का जो मंथली टेस्ट हुआ था उसमें बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है। देखिए टेस्ट का अभिप्राय केवल आप ये ना समझे भाई हम टाइम पास कर रहे हैं, हम जो आपको प्रश्न दे रहे हैं निश्चित रूप से आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेलेक्टेड प्रश्न आपको देते हैं, आपको उनका रिवीजन हो जाए, ठीक प्रकार से आपके याद हो जाए और आप उसकी महत्ता को नहीं समझते। आप केवल ऐसे औपचारिकता समझते हैं कि भाई चलो टेस्ट दिया तो ठीक है, नहीं दिया, केवल 6 या 7 कॉपियां हैं, 6 या 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है, बाकी टेस्ट दिया ही नहीं, हमारे को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। टेस्ट दोगे आप तो वो स्कूल ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, आप ये देखो क्लास की व्यवस्था है, होमवर्क की व्यवस्था है, ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था है, लेकिन अब फायदा तो उसका आप ही लो। तो ये थोड़ा विशेष ध्यान रखें, जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है, दो तीन बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 20 में से 20 नंबर आ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये, इसी प्रकार से वो मेंटेन रखें। लेकिन जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे वो भी ये प्रयास करें कि वो टेस्ट दें। आगे जो भी आपका टेस्ट होगा उम्मीद है अधिक से अधिक संख्या में आप टेस्ट देंगे और ठीक नंबर लेकर भी आएंगे। विशेष बात ये कि लगभग अपना 17वां 18वां वाले सेशन चल रहा है, क्योंकि 17वां तो वो हटा दिया, 18वें में थोड़ा बहुत हटा दिया, तो 19 वाले सेशन चल रहा है,
25 लेसन आपके सिलेबस के अंतर्गत है जिसमें 5-7 लेसन उठा दिए गए, तो 15-16 या 17 लेसन आपके शेष है। समय है, पूरे दिन भर फ्री रहते हैं, सारे नोट्स आपके पास में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो ठीक प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं, अच्छे नंबर आप ला सकते हैं, लेकिन आप यदि समय का सदुपयोग करें तब निश्चित रूप से ठीक ढंग से आप तैयारी भी कर रहे होंगे, होमवर्क वगैरह भी आप कंप्लीट कर रहे होंगे, तो ये आप विशेष ध्यान रखें। नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं, नोट्स में आपको भेज रहा हूँ, ये सभी को पता है आपको, ये विशेष ध्यान रखें। कल अपने से आगे का बिंदु देखेंगे, जो टॉपिक आपके सिलेबस में उठा दिए गए हैं उनको आप ठीक प्रकार देख लीजिएगा, उनको उठा दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, शेष कल।